हाय गाइज वेलकम आज एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं एक्चुअली फिजिक्स और मैथ्स है क्या एक्चुअली जस्ट लाइक अ चेस है हम लोग रूल जानते हैं और उसे अप्लाई करना होता है जो हमारे सामने क्वेश्चन होता है जैसे चेस में डिफरेंट आपके मोहरे होते हैं और सबके रूल्स होते हैं वो इस तरह मूव करता है हाथी इस तरह सीधा मूव करता है वजीर किसी भी डायरेक्शन मूव करता है उसी तरह हमारे फिजिक्स और मैथ्स में भी कई रूल होते हैं न्यूटन्स लॉ हो गया आपके लॉ ऑफ कूलिंग हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया बहुत सारे रूल्स हैं उनको मुझे अप्लाई करना पड़ता है जब सिचुएशंस यानी क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना हमने पढ़ा है राइट right गाइस तो अब इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो हम किस तरह उसे अप्लाई करते हैं किस तरह सोचते हैं इसलिए बीच बीच में हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको डिस्कस करते रहते हैं आपके साथ जस्ट लाइक ओपन द माइंड हम मतलब कंजर्व नहीं रहे कि मुझे फिजिक्स ही पढ़ना है मैथ्स ही पढ़ना है मुझे एक्चुअली ब्रेन को एक्टिव रखना है और इसलिए हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया करें या आदत सी बना लें देन वी विल एन्जॉय बोथ द सब्जेक्ट ओके राइस तो इस क्वेश्चन में आते हैं इस क्वेश्चन में है फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस विच लेजर्ड विल ट्रैवल टू रीच द डायग्नली अपर कॉर्नर ऑफ दिस रूम ऑफ डायमेंशन फाइव फोर थ्री फाइव लेंथ फोर ब्रेथ थ्री मीटर हाई ये हमारा रिजर्ट यहाँ पे बैठा हुआ है इस कॉर्नर पे और ये अपर कॉर्नर यानी यहाँ अपर कॉर्नर पे आना है इसके लिए हमें शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए अब हमें पता है शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस सपोज कर लो ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट भी आप सोचना पहले खुद करने की कोशिश करना फिर आप देखना इस क्वेश्चन को बहुत सारे आंसर आते हैं ये डायग्नर लो पहले ये डायग्नर लो बहुत सारे आएंगे लेकिन आप आ, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा शॉर्टेज डिस्टेंस और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये और ए और बी पॉइंट के बीच हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन राइट ये हमने पढ़ा हुआ है और शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग ने अपने मैथ्स में भी पढ़ना है ट्वेल्थ में आएंगे तो पूरा चैप्टर है थ्री में और रिलेटिव वेलोसिटी में भी हम बहुत जगह शॉर्टेज डिस्टेंस यूज़ करेंगे जो हम वहाँ के क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट है कि ए और बी पॉइंट के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है राइट right? इस कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ लगाना है यानी अगर यहाँ पे अगर हम लोग बनाएं इसको इस फ्लोर को बनाते हैं पहले ये फ्लोर हमने आपको यह पहले ये इस फ्लोर बनाया हमने जहाँ पे ये आपका ये फ्लोर हो गया और ये वॉल हो गई ये कुछ वॉल हो गई लिजर्ड यहां पे बैठी ए पे। और उसे जाना है एस बी पॉइंट पे राइट अब यहां से अब लिजर्ड तो हवा में उड़ नहीं सकती ना वो तो क्या है जमीन पे ही चलेगी और जमीन पे चलने पे इसका शॉर्टेज डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है जो कि अभी हमने यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा अब हम क्या करेंगे ये जो वॉल है आपका इसको हम क्या करेंगे नीचे गिरा देंगे ये ये हाइट कितनी है फाइव मीटर कितनी है फो मीटर और ये हाइट कितनी है थ्री मीटर जब हम इसको ऐसे गिराएंगे नीचे इमेजिन करेंगे ये नीचे गिरा दिया इसको भी क्या करेंगे नीचे गिरा देंगे ये गिरा दिया और ये लाइन इमेजिन कर रहे हैं अब ये सब फ्लोर पे हो गया है पूरा मतलब ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये बनाई राइट ये तो नाइन्टी डिग्री है ही है ये फोर हो गया ये थ्री हो गया Our shortage distance, right, guys. Now, shortage distance that will be our straight line. That is under root 5 square plus 4 plus 3 means 7. 7 square it will give that is 25 plus 49, and that is equal to under root that is 74. Right. इतना मीटर ये डिस्टेंस है अब इसमें मिनिमम टाइम क्या होगा ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में आ सकता है अगर लिजट की वेलोसिटी दे दे तो मिनिमम टाइम बताइए जो अपर डाइंगली कॉर्नर पे पहुंच जाए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं या कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दे कि ये मान लिया ये यहाँ दे दे कि ये इस पॉइंट पे बताओ दिस दिस लेट दिस पॉइंट इज सी जो कि बी से तो, सपोज़ कर लो वन मीटर की दूरी पर है इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा तो आप सिंपली है इसको नीचे करके और फिर यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन खींच के डिस्टेंस निकाल लेंगे ज्योमेट्री मेथड लगा के इस तरह के क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं राइट right? आपके सामने बहुत सारे आ सकते हैं और भी क्वेश्चन आ सकते हैं बन सकते हैं आप जैसे इसी प्रॉब्लम को हमने कुछ से डील कर लिया ये एक तरीके से टनल ले लिया टनल में आपके यहाँ पे आप लेज़र को बैठा दिया यहाँ पे पहुँचा दिया अब कहेगा कि इसे यहाँ पे पहुँचना है व्हाट इज़ द शॉर्टेज डिस्टेंस यानी डायग्नली ये लेजर यहाँ से ये इसके इस पॉइंट पे पहुँचना है अब सिंपल प्रॉब्लम ये भी हो गई इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बस इसको हम लोग ओपन करेंगे यहाँ से जब ओपन करेंगे तो ये रेडियस अगर आर है तो ये हो जाएगा टू पाई आर हो गया हमारा दैट इज़ टू पाई आर और ये हाइट दे रखी एच और ये हमारा शॉटेज डिस्टेंस है ये निकाल लेंगे दैट इज़ एच और फिर अपना पाइथागोरस अप्लाई करके दैट इज़ फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका रूट निकाल लेंगे और ये आ जाएगा क्वेश्चन बहुत तरीके से चेंज कर सकते इसी को यहाँ कह दे कि भाई यहाँ से ये डिस्टेंस दे दे फिर बताए कि अब बताओ यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कौन पे भी बन सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स बन सकते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस उसी तरह हमारे फिजिक्स में भी होता है लॉज पता है सबको न्यूटन्स के तीन लॉ या फिजिक्स या मैथ्स में आपको फॉर्मूलेस uh, पते होते हैं लेकिन उस क्वेश्चंस को वो डिफ़िकल्ट बनाने के लिए बेस से ही इसको थोड़ा सा आगे टेल करते रहते हैं और वही क्वेश्चन जो हायर लेवल पर आता है तो वही आपके आई वही नीट और तो उसमें चला जाता है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हर का एक ही रहता है इसलिए मैं कभी कभी आपको इस तरह के चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देता रहता हूँ और आपके माइंड को ओपन करता रहता हूँ ओपनली पढ़ना इन्जॉय करना है सब्जेक्ट को अपने माइंड को बेसिकली एकदम फ्री रखना है ओपन रखना है ये नहीं कि कंजर्वेटिव रखना है कि जी ये होता है तो ऐसे होगा ऐसे रट लेंगे ऐसे कर लेंगे इस लिजर्ड के दो वे होंगे एक इधर से भी आ सकता है और एक इसके टॉप से अभी आ सकता है ये तो एक इसने रास्ता एक रास्ता इसने ऐसे अपनाया हुआ है ये आया और फिर ऐसे ऊपर गया होगा दूसरा ये क्या करेगा ये सीलिंग पे आएगा और फिर ऊपर से यहाँ आ जाएगा राइट टू वेज होंगे और दोनों के क्या होंगे शॉर्ट डिस्टेंस ये होगा और ये कहाँ पे आएगा हम दिस पॉइंट इज़ एक्स और फिर हम इस पॉइंट को आप सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करके कर सकते हैं दैट इज़ यहाँ फाइव बाई सेवन आप लिखें सिमिलर ट्राइंगल फाइव बाई सेवन डिवाइडेड बाय इक्वल टू एक्स बाई थ्री एंगल आप देख लो दिस एंगल इज़ अल्फ़ा तो आप टेन अल्फ़ा एक्स बाई थ्री यहाँ से टेन अल्फ़ा फ़ाइव बाई सेवन एक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ फिफ्टीन बाई सेवन यानी यहाँ से ये टू पॉइंट समथिंग वहाँ पर आएगा और फिर वहाँ से ये यहाँ पर आएगा राइट right गाइस तो इस तरह हम ये लिजर्ड जाएगा और आएगा तो चलो कंप्लीट वीडियो देखते हैं इस लिजर्ड का कंप्लीट मूवमेंट देखते हैं ये देखो ये लेजर्ट मूव किया और इस तरह मूव कर रहा है सी पॉइंट पे जा रहा है जो कि उस कॉर्नर से 15 बाई 7 मीटर पे है और फिर ये टर्न हो के बी पॉइंट जो कि अपर राइट कॉर्नर है डायग्नली वहां पे पहुंचता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लेजर्ट कहाँ पे आएगा ये हमेशा जो कि मैंने पहले स्क्रॉल किया था एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये है कि ये लिजर्ड जिस एच की लेंथ सबसे मैक्सिमम होगी उसे वो कट करेगा तभी वो वो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करेगा राइट गाइड तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ कॉन्सेप्ट कि ये लिजर्ट जिस लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उस उस एज पे जाके कहीं कट करेगा और वो पॉइंट क्या होगा वो हम सिमिलर निकालेंगे और फिर वहां से वो टॉप राइट कॉर्नर पे जाएगा। राइट right गाइज तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन लेक्चर एटीन में वहां हम लोग मिलते हैं वहां पे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन कब और कैसे अप्लाई करते हैं और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय